हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ स्टेप का फोटो एडिटिंग सीखने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेप का फोटो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको वीडियो में एंड तक बनना होगा, क्योंकि जो भी बताया हूँ फ्रेंड्स, स्टेप बाई स्टेप बताया हूँ। और फ्रेंड्स, जितना हमारा बैकग्राउंड एंड PNG रहेगा फ्रेंड्स, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से अपना बैकग्राउंड एंड PNG जो कुछ भी होगा मेरा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अपने फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। तो चलिए गाइस, हम शेयर कर लेते हैं। लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर देने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है देखिए, तो ऑल फोटो पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। ऑल फोटो पे क्लिक कर देने के बाद अपने फ़ोटो को ले लेना है, ठीक है ना? तो देखिए ये रहा। तो फ्रेंड्स, इस फोटो में एक प्रीसेट का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर रहा वो प्रीसेट। तो फाइनली फ्रेंड्स, प्रीसेट को ओपन करेंगे पहले तो, और उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स, कॉपी सेटिंग पे क्लिक करेंगे। कॉपी सेटिंग क्लिक करके कॉपी सेटिंग कर लेंगे गाइस। उसके बाद बैक आ जाना है। उसके बाद तो अपना फ़ोटो जिसको एडिट करना होगा उस फोटो को ले लीजिएगा। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा। थ्री डॉट पे क्लिक कर देने के बाद गाइस, यहाँ पर आएगा पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन, तो पेस्ट सेटिंग कर देना है। तो ऑटोमेटिकली वन क्लिक में हमारा कलर बन जाएगा, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, हमारा कलर मतलब अभी ब्लू कलर बना है, बट हमको ग्रीन बनाना है। तो ग्रीन बनाने के लिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इस फोटो को शेयर करना होगा कहाँ पे, तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस फोटो को शेयर कर लेते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो देखिए गाइस, फाइनली हमारा फोटो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन हो रहा है। तो आप लोग भी वेट कर लीजिए, ठीक है ना? डन। इतना हो जाने के बाद गाइस, यहाँ पर एक इफेक्ट का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना होगा आपको। इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ कलर रिफ्लेक्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। अधिकतर तो हर किसी को पता है फ्रेंड्स, ये यहाँ से कलर चेंज करना, बट फ्रेंड्स थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर आता है, तो हम परफेक्ट कलर कैसे करें वो भी बताऊँगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। डन। इतना हो जाने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, तो कुछ PNG वगैरह है तो फाइनली आपको ऐड करना है। तो PNG ऐड करने के लिए इधर स्क्रॉल करके आना है, और यहाँ ऐड फोटो का ऑप्शन होगा, देख लीजिए गाइस, यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन होगा। फाइनली आपको ऐड फोटो पे क्लिक कर लेना है। ऐड फोटो पे क्लिक कर देने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, तो PNG को ढूंढ लेना है। तो चलिए गाइस, हम फाइनली PNG को ढूंढ लेते हैं। तो देखिए गाइस, फाइनली हमारा एक ये रहा PNG, मतलब 4-5 PNG यूज करूँगा फ्रेंड्स, जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड्स, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इतना हो जाने के बाद देखिए, इधर है और एक, जितना होगा फ्रेंड्स पहले ऐड कर लेना है। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं, इसको यहाँ पर रख देंगे फ्रेंड्स, और बैटरी को यहाँ पर रख देंगे क्योंकि बैटरी 1% है, और तितली को इतना बढ़ा देंगे, ठीक है ना? और जो उसके बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, तो लाइट को एडजस्ट करना है। तो लाइट को यहाँ पर लाकर रख कर और इधर स्क्रीन कर देना है, ब्लेंड पे ले आकर स्क्रीन कर देना है। अधिकतर तो हर किसी को पता है फ्रेंड्स, लाइट PNG लगाना, ठीक है ना? डन। इतना हो जाने के बाद गाइस, एक और PNG हमारा रह जाता है, तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं। चलिए फाइनली पहले इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको भी चलिए ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, फिर से ऐड वाले फ़ोटो पर क्लिक करना है, और ऐड कर देने के बाद फ्रेंड्स उस PNG को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो PNG पता नहीं कहाँ पे ढूंका हुआ है फ्रेंड्स, हमको भी पता नहीं है, बट ढूंढ लेते हैं। देखिए भाई, थोड़ा PNG ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ वेट कर लीजिए। किधर है यार भाई, बहुत सारा PNG रहता है, बहुत सारा फाइल रहता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है खोजने में, तो प्लीज़ आप लोग वेट कर लीजिए। तो देखिए गाइस, फाइनली हमारा ये रहा PNG, ठीक है ना? इसको ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। ऐड फोटो पर क्लिक कर देने के बाद इसको बड़ा कर देंगे ऐसे करके। डन उसके बाद इधर स्क्रॉल करके आना है, और यहाँ ब्लेंड का ऑप्शन होगा, ब्लेंड पर क्लिक करके और यहाँ पर स्क्रीन कर देना है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन होगा, तो आप स्क्रीन कर दीजिएगा। फाइनली ये ब्लैक हट जाएगा। ब्लैक हट जाने के बाद गाइस, यहाँ इरेज कर लेना है, ऊपर इरेज वाला ऑप्शन होगा, वहाँ से इरेज कर लेना है। तो चलिए मैं इरेज कर लेता हूँ।
डन इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स डबल का ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको डबल कर लेना है कि ये ज़्यादा फ्लावर दिखे या जो तितली है ये ज़्यादा दिखे। सॉरी फ्रेंड्स फ्लावर बोल दिया। डन इतना हो जाने के बाद यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड्स। डन कर देने के बाद फ्रेंड्स स्क्रॉल करके आना है, यहाँ ड्रॉ वाला ऑप्शन का एक टूल होगा तो फाइनली आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ड्रॉ वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ थ्री डॉट का एक ऑप्शन होगा, देख लीजिएगा गाइस। थ्री डॉट का ऑप्शन पर क्लिक करके फ्रेंड्स यहाँ पर सेव कर लेना है। यहाँ से सेव कर लेने के बाद फ्रेंड्स अपने फोटो को गैलरी में ओपन करना है। गैलरी में ओपन करने के बाद उसके बाद फिर से अपने फोटो को क्या करना है, शेयर करना है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा बहुत हम फेस स्मूथ करेंगे एंड और एक PNG है फ्रेंड्स वो भी हम लगाना सिखाएंगे, वो भी ऑटोडेस्क के माध्यम से। तो फेस स्मूथ करने के लिए फ्रेंड्स ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेटिंग देख लीजिएगा। आपको सेटिंग देख लेने के बाद उसके बाद फ्रेंड्स अपने फेस के ऊपर आराम आराम से ड्रॉल कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। तो आप भी ऐसे ही करके अच्छे तरीके से अपना फेस भी स्मूथ कर लीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैं जितना आराम आराम से कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको भी उतना आराम से करना है। बट फ्रेंड्स मैं इस फोटो में ज़्यादा स्मूथ नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना। बट फिर भी जितना करूँगा फ्रेंड्स उतना से हमारा फोटो बहुत ही अच्छा दिखेगा। राम राम से है। और फ्रेंड्स अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक बायो में है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जाइएगा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा लिंक सारे चीज़ का, ठीक है ना। तो आप लोग जाकर वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम रेगुलर अपडेट रहते हैं। देख लिए फ्रेंड्स थोड़ा बहुत इधर है तो इसको थोड़ा बहुत स्मूथ कर लेंगे, ठीक है ना। डन इतना हो जाने के बाद गाइस अब हमको ये एड फोटो पे क्लिक करना है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा रहा इंपोर्ट इमेज, इस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। इंपोर्ट इमेज पे क्लिक कर देने के बाद आपको एक गुलाब का PNG लेना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम गुलाब का PNG ढूंढ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली रहा ये हमारा गुलाब का PNG। तो चलिए हम फाइनली दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर है गुलाब का PNG, इसको स्क्रॉल करके इधर की तरफ मोड़ लेंगे। मोड़ लेने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, सही के निशान पे क्लिक कर देना है। देखिए चलिए मैं सही के निशान पे क्लिक कर देता हूँ। सही के निशान पे क्लिक कर देने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, तो हार्ड इरेज ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। हार्ड इरेज ब्रश सेलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, तो इधर से थोड़ा सा पार्ट आपको इरेज कर देना है क्योंकि ये प्रोफेशनल तरीके से दिखे कि हम इसको हाथ में धरे हुए हैं। देख लीजिए जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ आप भी आराम आराम से इरेज कीजिएगा। फ्रेंड्स आप भी आराम आराम से इरेज कीजिएगा क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से देखने के लिए आपको आराम से इरेज करना ज़रूरी है, ठीक है ना। डन इतना काम हो जाने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट वाले पे क्लिक करके इस फोटो को आपको सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद फ्रेंड्स गैलरी में ओपन कर लेना है। गैलरी में ओपन कर लेने के बाद गाइस फिर से इस फोटो को हमको लाइटरूम एप्लीकेशन में डालना है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम परफेक्ट तरीके से अपना कलर मिलाना सिखाएंगे, ठीक है ना, और मिक्स करना सिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। देखिए गाइस एक बार में इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। दो चार बार में ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ लाइट के ऑप्शन पर आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपना फेस पे बहुत अच्छे तरीके से टोन डालना सीखेंगे। तो कंट्रास्ट को कम कर लेना है और शेडो को इतना पे बढ़ा देना है एंड वाइन वायलेंस दोनों को कम कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे फेस में कुछ अलग से टून आ जाएगा। डन इतना काम हो जाने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद मिक्स पे क्लिक करना है और ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ह्यू को कम कर लेना है एंड ल्यूमिनस को इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड सेचुरेशन को येलो कलर का थोड़ा सा कम कर देना है। देख लीजिए गाइस एंड इतना हो जाने के बाद अपने फेस को वाइट कर सकते हैं सेकंड वाला कलर सेलेक्ट करके। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे तरीके से हमारा फोटो बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब